हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, जैसा कि आपको बताया, हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जो कि आपके एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी एनटीपीसी एचएसएससी या कोई भी वन डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ है, हम मैथ में हर मैथ के हर चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चन जो बनते हैं उन हर टाइप वाइज क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। कल हमने टाइप वन किया था, परसेंटेज में टाइप वन किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम टाइप टू, जो परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं टाइप टू के, वो हम देखेंगे। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो इस सीरीज़ के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या सीरीज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसका ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हम अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं परसेंटेज में टाइप टू किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं टाइप टू के, उनको आज हम अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 12.5%। गाइस, ये टाइप टू का क्वेश्चन है कि परसेंटेज में टाइप टू किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सॉरी, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय, कह रहा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो कितने से बढ़ गया है, 12.5% से इंक्रीज हो गया है। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन, कह रहा है कि कंजम्पशन विल बी डिक्रीज, कंजम्पशन को कितने से डिक्रीज किया जाए, कितने परसेंट से कम किया जाए, सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन कॉन्स्टेंट। एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर पहले एक कंसेप्ट आता है क्या कि अगर कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, अगर कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट टर्म आती है, क्या आती है, अगर कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म आती है, तो अगर एक चीज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। या फिर अगर कोई एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये कब होगा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स बी कॉन्स्टेंट, अगर दो प्रोडक्ट का वेरिएबल, दो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, वो कॉन्स्टेंट है। तो अगर एक वेरिएबल आपके पास इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, दूसरा डिक्रीज़ होगा तो पहले वाला क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का हम ये ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो होता क्या है। हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो आता है हमारे पास क्वांटिटी, हमारी कितनी क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय उसका रेट कितना है, क्वांटिटी इंटू में सॉरी रेट कितना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस जो इंक्रीज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12.5% होता है। 12.5% अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो कितना होता है, 1/8 होता है। 12 बाय कितना होता है, 1/8, यानी कि 8 पे एक इंक्रीज़ हो रहा है, 8 पे एक प्राइस बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ लिखा इनिशियल, इनिशियल रेशियो हमने क्या लिखा, फाइनल, इनिशियल रेशियो फाइनल। इनिशियल की बात करें तो अगर रेट की बात करें, हमारा रेट बढ़ रहा है, अगर हम रेट की बात करें तो पहले अगर रेट 8 था तो 8 पे एक बढ़ रहा है, 8 पे +1 हो रहा है, तो 8 से कितना हो रहा है, हमारा रेट 9 हो रहा है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, अगर कॉन्स्टेंट है तो अगर एक वेरिएबल एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी है कितनी, 9:8 हो जाएगा, 9:8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है, और यहाँ भी 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, और अगर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है तो अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वांटिटी 9 की बजाय कितनी हमें कम करनी पड़ी, कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ी, 9 से हमें 8 करनी पड़ी, मतलब कि 9 इधर आ गया और 8 हमारे पास इधर आ गया। तो कितनी कम करनी पड़ी हमें कंजम्पशन, 1, किससे कम करनी पड़ी, जो हमारा इनिशियल होगा यानी कि 9 से, तो 1/9 का कितना परसेंट है ये हमने निकाल दिया, तो 1/9 कितना होता है हमारे पास, 11, 1/9% होता है। तो इतने से हमें कंजम्पशन को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, डिक्रीज करना पड़ा। तो ये हमारे पास टाइप टू का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम अटेम्प्ट करते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर, कह रहा है कि अगर शुगर का जो प्राइस है वो डिक्रीज कर जाए कितने परसेंट से, 20% से, देन द पर्सन कैन बाय, पर्सन जो होता है वो 5 kg मोर शुगर बाय कर लेता है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा केजी शुगर लेगा, बट द एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर रिमेन कॉन्स्टेंट, हमें क्या एक्सपेंडिचर उसका कम कॉन्स्टेंट है, फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन, हमें शुरुआत में कितनी कंजम्पशन थी वो हमें बतानी है। तो जैसा कि अभी हमने सीखा कि अगर दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके कोई कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है तो अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, उसका उल्टा बढ़ जाएगी, या फिर दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो उसकी पहली चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें पता है कि
20%, 20% कितना होता है हमारे पास फ्रैक्शन में, 1/5 होता है। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, यानी कि 5/1 डिक्रीज हो रहा है। 5/1 क्या हो रहा है, डिक्रीज। 5/1 क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो शुगर का जो प्राइस है वो कम हो रहा है। अब हमें पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वांटिटी इंटू रेट, जितनी भी हम क्वांटिटी लेते हैं मल्टीप्लाई बाय क्या उसका रेट। तो अगर हम इनिशियल रेशो फाइनल की बात करें, ये इनिशियल हुआ, रेशो क्या फाइनल। अगर हम रेट की बात करें तो रेट हो रहा है हमारे पास 20% से कम हो रहा है, यानी कि अगर रेट पहले 5 था उस पर 1 कम हो गया, 5/1 कम हो गया, यानी कि अब रेट कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। और अगर क्वांटिटी की बात करें, तो ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि ये 4 इधर आ गया, और रेशो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 4 इधर आया और ये 5 इधर आ गया, यानी कि पहले क्वांटिटी थी हमारे पास 4, अब कितनी है, 5। कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, 1, 1 यूनिट हम क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, 1 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 5 kg है। हमें क्या निकालना है, हमें इनिशियल कंजम्पशन निकालना है। इनिशियल इनिशियल कंजम्पशन हमारी कितनी थी, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 20 kg आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में हम कितनी कंजम्पशन कर रहे थे, 20 kg कंजम्पशन हम कर रहे थे। अगर बाद की पूछता कि फाइनल कंजम्पशन क्या है, तो हम कितने की वैल्यू निकाल देते, तो हम 5 की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, तो ये थे हमारे पास परसेंटेज के टाइप 2 के क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। कल हमने टाइप 1 किया था, आज हमने टाइप 2 को कवर किया है। इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी सीरीज, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इस तरह के कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स के कवर कर लेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं टाइप 3 में। थैंक यू वेरी मच।